यार। वो आ गई यार, अच्छा कैमरा रोलिंग भी कर लिया। कपड़े पहन लिए आपने अच्छे से? नहीं, नंगा घूम रहा हूँ अच्छे से। मत करो क्या भैया और संजय रेडी हो गए और इसके साथ मैं आपको भैया और संजय रेडी हो गए हैं। अब मुक्का मारूंगा मैं तेरे। भैया ये इंपॉर्टेंट बात कहनी है यार, 2 मिनट रुको। मैं अपने भैया और संजय रेडी हो चुके हैं और ये वीडियो फैमिली है, हम ये दोनों रेडी हो चुके हैं और ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। ये बोलना है यार, इतनी लाइन भी बोल हुंदी तो सो चली सी तेरे ओथे डुल गए जग में जहां सारा भुल गए। मैनू कहंदे सी यार ना कर प्यार, तैनू की लगे मैं रुल गई। बेबी डोंट वांट यू नो मोर, नो 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 मोर। और ये वीडियो आज पॉसिबल हो पाई है बाय CoinDCX। मुझे पता आगे क्या बोलेगी, आगे यही बोलेगी that CoinDCX is the safest crypto exchange, जहाँ पे आप डिपॉजिट करवा सकते हो as low as 100 rupees and क्रिप्टो खरीद सकते हो starting from 10 rupees। और तो और it is ISO certified and it also has a DCX learning platform जहाँ पर आप ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जान सकते हैं। आप हमारा कूपन कोड यूज कीजिए baby100 and पाइए 100 rupees के फ्री बिटकॉइन। और तो और CoinDCX लेकर आया है हैप्पी डेज ऑफर, जहाँ पर आपको चांस मिल सकता है टू विन अप टू 1 लाख से ज्यादा के बिटकॉइंस एवरी डे। तो अभी ये भी बोल दो कि यू नो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ। हां, हेलो फैमिली, वेलकम टू बेबी क्वींस चैनल। मुझे ये चीज सोचने के लिए, ये कॉन्सेप्ट सोचने के लिए मतलब 1 महीना लग गया। नहीं, मैं नहीं मानता, नाना जी टांग। सो फैमिली, आज जो मैं करने वाली हूँ वो आपने मतलब कहीं नहीं देखा होगा। आप होगी यार दीक्षा, तेरे में इतना दिमाग कहाँ से आया? So sorry फैमिली, मैंने आपको इतना वेट कराया। तो स्टार्ट करते हैं Who knows me better? Mom versus Dad। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, कुछ शर्म है इसे, कुछ शर्म है। 1 महीना इस लड़की ने लिया, किस लिए? इसलिए यार ये आइडिया कहाँ से लेके आती? मुझे लगता है ये पहली लड़की होगी जो अपने ही चैनल से अपना ही कंटेंट उठा लेती है। यार जैसे रिमोरव व्लॉग्स पे लाइफ हैक्स की परंपरा चली थी, हाँ। वैसे मेरे चैनल पे Who knows me better की परंपरा चल रही है। See, सब्सक्राइब कर दो। मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं यार, आओ प्लीज यार, ना यार जाओ। रूल्स बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, मैं फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे मम्मा और पापा को एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक एक करके पापा, इनको सिर्फ एक जवाब। मैं अपने समय पापा और मम्मा से जवाब पूछूंगी। कोई बात नहीं, मैं मम्मा और पापा से क्वेश्चन पूछूंगी और उनको सिर्फ जवाब देना है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन आप पूछोगे, जवाब ही देंगे, और क्या देंगे हम? भैया और संजय को बेसिकली चूज करना है वो किसकी साइड है। मैं कह रहा हूँ कि मैं पापा के साथ हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि पापा जीत जाएंगे। तो भी मतलब पापा और मम्मा को आंसर बोलना होगा। ओके, वो उनको भैया और संजय के कान में बोलना है और वो लोग इसके ऊपर लिखेंगे। ओके, यस। वो क्या हो गया भाई को? क्या हो गया? ओए छोड़ दे, गेम खेल। देखो फैमिली, रूल्स बहुत अलग है इस बारी, क्योंकि हमेशा मैं 10K देती थी जो भी जीतता था। इस बार उल्टा है, जो भी पापा और मम्मा में से करेक्ट आंसर देगा वो मुझे 10K देगा। मतलब यार कम कर यार, ये क्या फालतू काम है। अभी देखो ऐसे तो किसी मम्मी और पापा में से किसी को नहीं मिलेगा। हम तेरे को पैसे देंगे, पागल है, इतने पैसे। वाह, पैसे भी देंगे तेरे को यार। देखो सुनो मेरी बात, 1 महीना लगा के सोचा क्या करना। देखो थोड़े पैसे पुसे कम हो गए तो मैंने कहा पैसे कैसे निकलवाए जाए। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। तो ये क्या रखा है? ये इसके बीम पे पैसे डालूंगी। अब पहला सवाल ये कि मैं जैसे आपको पता पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कौन से झूठ आप लोग काम जो है ना वही करो। आपका काम लिखना है। यू गाइस आर डूइंग अ स्पोर्टिंग रोल, स्पोर्टिंग रोल में रहो। मेन कैरेक्टर को बैकग्राउंड बना रखा है, बैकग्राउंड वालों को फ्रंट राउंड कर यार। मैं बोलने नहीं दे रही यार। अच्छा पापा, पापा आप डाल के। शट अप। ओह ओके, शट अप। पापा और मम्मा को बताना है कि मैं कौन से ईयर में, कौन से सेमेस्टर में हूँ। ओके ओके, गुड गुड। मैं जीत गया, मैं जीत गया। पापा को उसको बताओ, लिखो। मैं दे रहा हूँ ना, मैं जीत गया। पूरा ये लिख रहे हो सब्सक्राइब टू स्प्रिंगस्पून। कुछ आता तो है नहीं वहाँ पे, क्यों नहीं आता यार, सिर्फ एक दो ऐड आती है, उससे तेरा घर चल रहा है। फिफ्थ क्लास सेमेस्टर है, चलो जो भी है समथिंग, एंड थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, यस थर्ड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, एंड द आंसर इज पापा। चलो दो 10,000 आपके खुश हो गए क्योंकि पापा फीस देते हैं। मैंने क्या कर दिया, फैमिली के लिए बहुत हो क्योंकि किसी भी ज्यादा पापाओं को पता नहीं होता बच्चे कौन से, पापा को बच्चे कौन से है नहीं बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। लो पापा कैश इसको दो, एक क्या पुखी लड़की दे तो शक्ल देख में इसकी हो गया। ये तो चुन्ना लगा रहे हैं, क्यों ये नकली नोट है। हाँ तो भाई बाद में कैश कर लेना, असली देने हैं आप व्लॉग में बोल रहे हो। मैं ज्यादा इंडियन क्लोथ्स पहनती हूँ या वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हूँ, ये मैं हार जाऊंगा, लिख वेस्टर्न। मैं कहता हूँ वेस्टर्न स्लैश सब टू स्प्रिंगस्पून। अबे यार तू क्या कर रहा है यार। दोनों जीत गए क्या? दोनों पैसे दो। नहीं दोनों कितने देंगे? 10-10 5-5 देंगे ना, 10-10 देंगे। 5-5 देंगे। हाँ, पैसे दो। पापा आपने गलत दिए, 4 ही दिए। माय गॉड। मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दो। ओह ये तो बड़ा इजी है, हमने नहीं लिखना। अच्छा पापा क्या डैडी लाओ 14 फरवरी 2000। गलत पैसे बचाने यार, अभी तो पूरा लूट लेगी बताओ। 18 फरवरी 2000 गलत। ना 19 हो गया, 19 यार देखो मेकअप का सारा स्टॉक खत्म हो गया। समझा करो कि मैं क्राई बेबी हूँ या क्राई बेबी नहीं हूँ, मतलब ये किराए पे रहती है लिख रहे। मैं फेक क्राई करती हूँ या असली क्राई करती हूँ? फेक क्राई बेबी तो फेक भी है यार। तो यार पैसे बचाने 5-5 हजार। मुझे ज्यादा माउंटेन्स पसंद है या बीच पसंद है? ये कर रैपिड फायर चल रहा है। हाँ जी बताओ संजय। अरे फंज इधर, सॉरी संजय इधर। रेडी आई माउंटेन बीच। यार पापा ने कुछ और बोला था इसमें चेंज कर दिया। तो मैंने पैसे नहीं बचाए, अभी पापा को लूट रही शर्म है। देखो पापा आप सही हो, पापा सही है, पापा नहीं आप सही है, दोनों सही है। ये ओए चलो माउंटेन था वो देखेगा ये फुद्दू सी गेम बकवास चीटिंग कर रही है यार, लूट रही है। थोड़ा पैसे तो मैं लूट लिए सारे। आप ये देखो मैंने इसने इतना कमाया, ये क्या है मतलब आज देखिए कितना यार ये तकरीबन 2 लाख रुपए है। ओए मम्मा पैसे छीनी जा रही है। बात बता ये ले पापा। हां तो हां जी तेरे पहले अबे बात बता। तो ना पापा मम्मा ना मुझे कहते हैं कि ना ऐसे करते हैं हम घर पे ना झूठ बोल देते हैं। ओए कि हम ना इन्फिनिटी जाते हैं। एक मिनट हम लोग ना शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने कहा मम्मा यार घर जाके पापा को रोटी भी देनी है। मम्मा कहे तू चुप कर जा कोई बात नहीं। और मुझे ना और फिर आपका फोन आया था बीच में। क्या बोली? मम्मा कहते हम तो ऑडिशन में दे रहे हैं, अभी तो इधर ही बैठे हैं, फिर आप भूखे पैसे बैठे रहे, मम्मा वैसे मूवी देखते रहे। और ये बात 100